हेलो मेडिकोस, आज मैं आपको इस खूबसूरत जगह से 10 इम्पॉर्टेंट रेजिडेंसी के टिप देने वाला हूं। और मुझे लगता है कि काश रेजिडेंसी टिप मुझे पता होते, तो मैंने 10 हैंडराइटिंग से यहां पर कंपाइल कर लिए हैं। उनका मैं ना सिर्फ एन्यूमरेट करूंगा, छोटा छोटा सा रीजनिंग और एनालिसिस बताते जाऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। ये जो कंपाइलेशन है, ये ना सिर्फ 20 साल पहले 30 साल पहले मुझ पर भी लागू था, आप पर भी हो। इतने साल के मेडिकल टीचिंग के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ये गलतियां बहुत आम तौर पर होती हैं। और यदि आपको रेजिडेंसी शुरू करने के पहले ये पता हो, तो नथिंग लाइक दैट, आप लोग MD, MS, DMB, डिप्लोमास जो भी ज्वाइन करने वाले हैं, इस वीडियो से आप जो सीख कर जाएंगे इस पीरियड में उसको अप्लाई कीजिए। तो पहला पॉइंट जो है, जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है अभी से ध्यान रखना है अपनी हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। क्यों? क्योंकि 3 साल आपके काफी टैक्सिंग हो गए फिजिकली, मेंटली। आपको बहुत सारी पढ़ाई भी करनी है, साथ में बहुत सारा फिजिकल काम करना है, नाइट ड्यूटीज करनी है, जागना है नाइट भर, ठीक है। रात के 2-2 बजे आप लोग कुछ ऊट पटांग सा खाएंगे, कभी बर्गर, कभी पेटीज, कभी पिज्जा मंगा लेंगे, कभी पराठे मंगा लेंगे नाइट ड्यूटीज के दौरान में, चाय के कप बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी पर बहुत सारा सडन चेंज और सडन स्ट्रेस आने वाला है ये 3 साल में, खासकर जो लोग क्लिनिकल ब्रांचेस में हैं। तो क्यों ना अभी से आप लोग अच्छा अच्छा खाना, मम्मी को बोलिए कि अभी अच्छा न्यूट्रिशन लें, एक्सरसाइज जरूर करें। लड़कियां कम एक्सरसाइज करते हैं, लड़के तो सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ बनने के लिए थोड़ा जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बट गर्ल्स नहीं करती। तो अभी चाहे आप गर्ल हैं, बॉय हैं, जो भी हैं, अभी से एक्सरसाइज जरूर शुरू करिए, ठीक है। और अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए, खूब पानी पीजिए। जब आप रेजिडेंसी ज्वाइन कर लेंगे तो ड्रिंकिंग ज्यादा करना, पानी ज्यादा पीना, जिससे क्या फायदा होगा आपको कि आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, हाइजीनिक पानी। तो हेल्थ पहला था। दूसरे नंबर का पॉइंट जो मैंने लिखा है, फर्स्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीने जो होते हैं ना, ये 3 साल देखो, रेजिडेंसी आपकी पर्सनैलिटी पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपका आउटलुक खुद के बारे में, दुनिया के बारे में एक बदल जाता है। आप देखना, ऑर्थोपेडिशियंस की पर्सनैलिटी डिफरेंट नजर आएगी आपको, यूजली एक गायनोकोलॉजिस्ट की डिफरेंट नजर आएगी, पीडियाट्रिशियन की डिफरेंट नजर आएगी। मतलब क्या हुआ कि ब्रांच के जो एनवायरमेंट, होल एनवायरमेंट होता है डिपार्टमेंट में, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे परमानेंट या लॉन्ग टर्म पड़ता है। 3 साल ये जो होते हैं ना, बिग बॉस टीवी में जो होता, बिग बॉस जैसे होते हैं, बिग बॉस सीरियल जैसे, जहां पर एक कन्फाइंड क्लोज्ड स्पेस में उन्हीं शक्लों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं रोज, उन्हीं के साथ आपको कुछ स्ट्रेसफुल टास्क मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ कंपटीशन भी हो रहा है, उन्हीं के साथ दोस्ती भी हो रही है, उसी बीच आपकी दोस्ती होती है, लड़ाई होती है, अफेयर्स होते हैं, शादियां हो जाती हैं। ये 3 साल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो 3 साल है, फर्स्ट 2 मंथ्स जो है, मैंने देखा खासकर आपकी इमेज पर जो भी टैग लगना होता है, फॉर एग्जांपल सिंसियर है बहुत, इंटेलिजेंट है बहुत, बहुत फ्लेक्सिबल है, या बहुत रिजिड है, या बिल्कुल सेल्फिश इंसान है, या बिल्कुल अनकोऑपरेटिव है, आलसी है, ये सारे टैग आपकी पर्सनैलिटी में जो बिना पूछे बिना बताए एक कहे टैग लग जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी के साथ, ये पहले 2 महीने में लगते हैं। और ये 2 महीने में लगे हुए टैग बहुत मुश्किल होता है उतारना। सपोज कोई खराब टैग लग गया कि आप आलसी हो या भुलक्कड़ हो, बड़ा मुश्किल है 2-3 साल के लिए उसको उतारना। वो इमेज को लोग अपने मन में कैरी करते जाते हैं और उसी गलती को आपके पकड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक दिन आलस किया था, तो अब क्योंकि आलसी का टैग लग गया है, तो आप जब भी किसी भी रीजन से आलस करेंगे, आपको लगे, सब लोग यही सोचेंगे कि अरे तो आप तो आलसी थे। इट्स लाइक कि आप यदि सोच लें एक रोड पर ब्लू कार देखने का, कि मैं ब्लू कार आज देखूंगा, तो आपको ब्लू कार ही दिखाई देने लगेंगी। किसी व्यक्ति में यदि देख आप सिर्फ ये नोटिस करें कि कितनी बार ये ऐसे टच कर रहा है यहाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार इंसान ऐसे टच करता है, बट बाकी लोग भी टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये कि फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको यदि पता हो ये बात कि इमेज के टैग लगते हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में आप अपनी पर्सनैलिटी का बेस्ट पार्ट, बेस्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मतलब बहुत सिंसियर रहिए, बहुत कोऑपरेटिव रहिए, बहुत सेक्रीफाइजिंग रहिए, बहुत कैलकुलेटिव मत रहिए, अपने दोस्तों के साथ अपने सीनियर्स की बातें अच्छे से समझिए, सुनिए। इस बीच ये फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको सडनली, लेकिन आप बहुत सारा काम नया नया भी सीख रहे होंगे, आपको हर पल हर रोज हर चीज नहीं दिख रही होगी। अभी तक जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा था, वो अब सब आप कुछ प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं सीख रहे हैं, तो डांट भी पड़ रही है। उस बीच अपने ईगो को घर पर रख कर आइए, पेशेंस रखिए, ठीक है। थर्ड पार्ट है एम्पैथी टुवर्ड्स योर पेशेंट। ध्यान रखो, आपके टीचर्स जो है, सबसे बड़े टीचर्स, वो टीचर्स
हम लोग ना होकर पेशेंट हैं, ठीक है। पेशेंट्स जो आपके टीचर्स हैं ना, उनके प्रति आपको थैंकफुल रहना है। खासकर यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वर्क करें, तो समझिए कि ये जो पेशेंट हैं, ये इनमें से ज्यादातर लोग गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और बड़ी उम्मीद से आपके पास आए, आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल में आए। इनके साथ बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पोकन रहिए। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बार बहुत थके हुए रहते हैं, स्लीप नहीं हुई रहती हैं, ग्रंपी रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बट इनके साथ हमेशा अच्छे से बात कीजिए, इनकी प्रॉब्लम को समझिए, इनके प्रति जजमेंटल मत होइए। फोर्थ है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ये थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं कि इस बीच जो लोग अच्छे से बात करने की प्रैक्टिस कर पाते हैं ना, वो आगे भी इसको कैरी कर पाते हैं जब वो प्रैक्टिस में एस्टेब्लिश होते हैं। और ये ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस में सक्सेस सिर्फ आपके एकेडमिक से नहीं मिलती, आपके बिहेवियर पर का उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप कैसे पेशेंट से बात करते हो, तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फोर्थ, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। आप लोग इस वक्त बहुत हाईली इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे इन्फेक्शियस पेशेंट्स को देख रहे होंगे, तो अपने प्रोटेक्शन को हमेशा ध्यान में रखिए। कभी भी ओवरबर्डन होकर या ओवर एंथुसियाज्म में बिना ग्लव्स के चीज़ों को सैम्पलिंग निकालना, ये सब मत करिए। हम लोग भी करते थे, मालूम बच्चा डिलीवर हो जाता था, बिना ग्लव्स के हम लोग उसको रिससिटेट करने लगते थे, ब्लड सॉइल्ड होता था वो पूरा बच्चा बावजूद उसके। बट कोई भी पेशेंट HIV इन्फेक्टेड हो सकता है, ध्यान रखें, कोई भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, ये जरूर करें। आपके सीनियर ये बात सिखा देंगे जब आप वार्ड में जाएंगे, बट सेंसिटाइज होना आपका काम है, वो आपके पीछे नहीं पड़े रहेंगे कि आप करो। कई सीनियर्स आपके लापरवाह भी दिखेंगे इस बात को लेकर, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यदि आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी गंभीर बीमारी से, तो ये बहुत बड़ा लॉस है आपका, आपकी फैमिली का, हमारे नेशन का, हमारे सिस्टम का, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। फिफ्थ पॉइंट, ब्रेक एंड रिक्रिएशन। इतनी हैक्टिक रेजिडेंसी के समय आपको बीच बीच में ब्रेक लेना, अच्छे वाले ब्रेक लेना, अच्छी स्लीप ले लेना, कभी फिल्म देखाना, कभी दोस्तों के साथ कोई नेचुरल ब्यूटी इस तरह की देखाना, और ये सब बहुत जरूरी है। ब्रेक लेंगे आप तो फिर से आपकी बैटरी रिजनरेट होकर, रिचार्ज होकर, आप नए ढंग से काम कर पाएंगे। अपने फैमिली फ्रेंड्स, इनसे बातें कीजिए, इनको अपनी प्रॉब्लम, अपने अचीवमेंट्स बताइए, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है अच्छे वाले, ठीक है। एडिक्शन से बचना, लेकिन ब्रेक का मतलब अल्कोहल में डूब जाना, जो लोग ऑकेशनल लेते हैं मैं उन्हें जज नहीं करूंगा, मैं मॉरली लेक्चर नहीं दे रहा हूं, बट खुद को सेफ रखिए। मतलब ये नहीं कि किसी चीज के एडिक्ट होके अपनी हेल्थ पर डैमेज कर लिया आपने, ठीक है। सिक्स है, रेजिडेंसी में टीचिंग वो वाली बुकिश वाली नहीं होती जो MBBS के समय होती है। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग जो होती है, मैं बोलता हूँ राउंड्स पर। दूसरे नंबर पर आप जो प्रेजेंटेशन करते हैं, सेमिनार्स, मॉर्टलिटी, जर्नल प्रेजेंटेशन, ये सब होंगे आपके, तो ये इनमें तो आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा टीचिंग, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगी, वो आपके राउंड्स होंगे। तो राउंड्स पर प्रदर्शन से ही डिसाइड होता है कि कोई रेजिडेंट कितना अच्छा है, उसको पेशेंट के बारे में कितना ज्यादा पता है, कितना याद है उसको, कितना सिंसियर है, ये सारा जजमेंट हम फैकल्टीज उसके राउंड पर प्रदर्शन से लेते हैं, ठीक है। तो राउंड पर आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, तो उसकी कुछ टिप्स देता हूं। राउंड पर हम लोग क्या देखते हैं यूजली, कि कल मैंने सपोज किसी पेशेंट का एक्सरे करवाने का ऑर्डर किया था राउंड पर, और रेजिडेंट ने वो एक्सरे तैयार रखा है कि नहीं आज के मेरे राउंड पर करवा कर, और यदि वो भूल गया है, तो ये कई डॉक्टर्स के लिए, कई कंसल्टेंट्स के लिए बहुत बड़े इश्यू होते हैं कि आप भूल गए। तो इसलिए थोड़ा ऑर्गेनाइज रहिए राउंड के समय, एक छोटी सी डायरी रख लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए, या फिर आपका मोबाइल पर ही नोट्स बना लीजिए कि राउंड पर आज ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और मैं इनको नोट कर लेता हूं, और जो मैंने कर दिए उनको टिक मार कर दीजिए अपनी नोटबुक पर कि मैंने खत्म कर लिए, और उनको राउंड के बाद जस्ट 5-10 मिनट के लिए देख लीजिए कि क्या क्या काम हो गया, क्या क्या काम नहीं हो गया। राउंड पर फ्लुएंट रहने की कोशिश कीजिए। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम के रहते हैं, इट डजेंट मैटर, कोशिश कीजिए कॉन्फिडेंटली लेकिन विनम्रता से अपने फैकल्टी के सामने अपना बेस्ट प्रदर्शित करें, और आपका पेशेंट से अपना अच्छा रेपो, अच्छे पेशेंट से कभी कभी पूछ लेना, नाम, कहाँ के हो आप, अच्छा यहाँ कैसे आना हुआ, जब भी कुछ वक्त हो थोड़ी सी उनसे रेपो बिल्ड करें, वो आपकी मदद करेंगे राउंड पर बेटर प्रदर्शन में। सेमिनार्स वगैरह में प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया कीजिए, भले आप इंट्रोवर्ट हो, उससे शाय अवे मत होइए, प्रैक्टिस करके जाइए, अपने दोस्त से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सेवेंथ है
कोऑपरेटिव होना अपने बैचमेट्स के साथ, थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग होना और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना, ये ज़रूरी है। हर चीज़ को बिल्कुल 100% कैलकुलेशन की मैंने उसका इतना काम किया था, वो भी मेरा इतना काम करे, जाने दो, थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग रहो। अल्टीमेटली जो भी आप एक्स्ट्रा करोगे वो आपके स्किल में जुड़ता जाएगा। एट्थ पॉइंट मैंने लिखा है पेशेंस फैमिली एंड फ्रेंड को। देखो पेशेंस क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जबकि आपको बहुत दुख होगा, एंग्जाइटीज होंगी, डिप्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स होते हैं रेजिडेंसी के दौरान में, ऊपर नीचे हमारे इमोशंस के, किसी से थोड़ी बहस हो जाएगी, कोई कभी फैकल्टी डांट देगा, कभी किसी फैकल्टी ने बोल दिया कि तुम्हें मैं एग्जाम में देख लूंगा, सब कुछ। एक बात याद रखो, जिंदगी में कुछ परमानेंट है तो वो है, कुछ भी परमानेंट नहीं होना। जिंदगी में कुछ रेगुलर है तो कुछ भी रेगुलर नहीं होना। जिंदगी दरअसल यहां देखो, ये यहां इन लहरों की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगी, कभी भी स्थिर नहीं रहेंगी, जिंदगी हमेशा ऐसे रहेगी। तो आज यदि कोई मुसीबत है आपकी, कोई मुश्किल हुई, ये भी बदल जाएगा, कुछ आपने अचीवमेंट किया है ये भी बदल जाएगा, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। तो अचीवमेंट के समय खुशी से फूल मत जाओ, बहुत उड़ने मत लगो, दूसरों को नीचे मत देखो, दुख के समय थोड़ा पेशेंस रखो, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहिए, अकेले अकेले मत नहीं सोचना चाहिए। अभी मैंने तीन चार कुछ सुसाइड इस हफ्ते मेडिकल्स के सुन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लोग पीजी हैं। एक तो ऑर्थोपेडिक्स पीजी का मैंने ईमेल पर अभी कहीं पर देखा, वो इंदौर वगैरह में। अपनी फैमिली को फ्रेंड्स को बड़ा समझो और जरूर हेल्प लो उनकी कोई प्रॉब्लम होने पर। नौवां, स्टडी। पढ़ाई जो है ना, फर्स्ट ईयर में बहुत थ्योरेटिकल पढ़ाई का बिल्कुल भी मत सोचो, अभी सिर्फ और सिर्फ खूब काम करो। दूसरा नंबर पर, जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तब अपनी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड पढ़ाई शुरू करना, या आपका DMMCH का मन है उससे रिलेटेड पढ़ाई शुरू करना सेकेंड ईयर से। लेकिन जब भी पढ़ाई करो तो मेरा एक टिप मैं आपको देता हूँ अपनी लाइफ का, मैंने नेल्सन घई वगैरह मेरे ख्याल से 20-25 साल से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पीडियाट्रिक का कोई भी केस मुझे लाकर दोगे तो विद इन 2 मिनट्स 90% से ज़्यादा केसेस की मैं डायग्नोसिस बना दूंगा, और रिमेनिंग 10% के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा, दैट्स इट। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरी एक आदत है, जो आप लोग भी इम्बाइब करो, किसी भी ब्रांच में जाओ आप, कि मैं केस रिलेटेड पढ़ता हूँ। MD जब कर रहा था तब से जो केस आए उसको आप पढ़ लो। तो उससे ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ब्रोंकियल अस्थमा पढ़ा, अब मैंने एक केस आया मेरे पास और उससे रिलेटेड मैंने घर जाके पढ़ाई कर ली। आजकल तो आप लोग व्हाट्सएप पर टाइप करोगे उसको, आप ChatGPT वगैरह पर, तो आपको दिख जाएगा। तो मैंने ये किया और उसको पढ़ डाला। तो अब जब नेक्स्ट 10 अस्थमा के केसेस आएंगे तो मेरी अपने आप ही एक पैसिव रिविजन मेरा दिमाग कर लेगा, और कुछ चीजें जो मैं भूल रहा हूँगा वो उतनी सी चीज में देख लूंगा। फिर वो अगले 10 केस आएंगे तो मेरे लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग में वो एक, जैसे हम ड्राइविंग कभी नहीं भूलते वो वैसा हो जाता है। तो हमेशा PG में केस बेस्ड स्टडी को देखो, और इंडिया में इतने केसेस हैं, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारे पास इलनेसेस का, हर एक कॉलेज में, हर एक सरकारी और अच्छे कॉर्पोरेट DNB में, कि आप यदि सिर्फ केस बेस पढ़ोगे तो लगभग पूरी बुक को आप डेप्थ में पढ़ लोगे। केस बेस पढ़ा करो, ठीक है। टेंथ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये टेंथ में मैंने रखा है, बट ये मैं फर्स्ट पर भी रख सकता था इस पॉइंट को, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो है, अभी आपने जो कलकत्ता में केस देखा हमारा मेडिकल में, खासकर लड़कियों के लिए, वो है सिक्योरिटी। किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं, लड़कियां आपको नाइट ड्यूटीज होती हैं, आप अपने एनवायरमेंट पे जरूर ध्यान रखें सिक्योरिटी का, ठीक है, कि सिक्योर है कि नहीं आपका इर्द गिर्द, जिस ड्यूटी रूम में जा रहे हो, जहां आप रोज ड्यूटी कर रहे हो। आमतौर पर सभी मेडिकल कॉलेजेस मैंने देखा है लड़कियों के लिए बहुत डैम सिक्योर होते हैं और बड़ा अच्छा एनवायरमेंट होता है। हम लोग तो एम्स न्यू दिल्ली में जो कैजुअल्टी थी, वहां एक छोटा सा ड्यूटी रूम हुआ करता था जहां हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट लेते थे। वहां लड़के लड़कियां अलग अलग फ्रेटर्निटी के कभी भी आके सोफे पे लेट गए एक ही कमरे में, वहां लड़की सो रही है, यहां पर लड़के लोग सो रहे हैं, इस टाइप का एनवायरमेंट था, बट वो बहुत सेफ था।
बहुत सारी जगहों पर बहुत सेफ्टी है, लेकिन कहीं पर भी आपको जरा सा भी डाउट हो सेफ्टी का, अपने एचओडी से बात करिए, वो लोग जरूर इसका सोल्यूशन करेंगे। टाइमली कीजिए, कभी भी लड़के लड़कियों जब आप रिक्रिएशन को ब्रेक को जाते हो, बहुत रात को कोई आउटर एरियाज में मत निकलो। इसमें भी बहुत सारे मैंने कांड होते देखे हैं। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ असामाजिक तत्व ने लड़कियों को चेस किया है हॉस्टल तक, बहुत बदतमीजियां करते हुए। कभी कभी लड़कों की लड़ाइयां हो गई हैं दारू पीकर, और एक कभी तो बहुत एक्सट्रीम तक हुआ है, मतलब जिसको मैं बता भी नहीं सकता वीडियो में। तो ये जो है, आपकी फ्रीडम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और आई वॉन्ट यू टू बी फ्री, बट साथ में सिक्योरिटी का और अपने आस पास का एनवायरमेंट पर ध्यान रखना चाहिए। हमें एक जब यहाँ कभी जबलपुर आओ, मुझसे मिलना, मैं कान्हा अपने लोग साथ घूमेंगे। कान्हा में हिरण देखना, हिरण जो है ना हर वक्त चौकन्ना रहता है, उसका हर वक्त कान और आई, उसी जंगल में वो सर्वाइव बढ़िया ढंग से कर रहा होता है जहां पर शेर सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चौकन्ना है, एंड वो मजे भी कर रहा है। हिरण खूब घूम भी रहा है, दौड़ भी रहा है, घास भी चर रहे हैं हिरण का झुंड, बट चौकन्ना होकर। चौकन्ना होना जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट में जहां पर अपराध होते हैं। तो लड़के और लड़की बच्चियों खासकर अपनी सिक्योरिटी का जरूर ध्यान दो। आपके पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं आपको बाहर भेजने में, मैं जानता हूं कितने चिंतित होते हैं जब आप हॉस्टल में रह रहे होते हो। तो ये 10 पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आपके काम आएंगे, और अपने पेरेंट्स से शेयर करना कि किसी हमारे सीनियर ने ये सब बताया, और आप मुझे बताना किसी पॉइंट से आप कन्विंस नहीं हो तो, या आपको लगता है कि कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो। मुझे लगता है इस तरह का ये पहला कंपाइलेशन है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, और मुझे लगता है ये ना सिर्फ अभी, आगे से 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा और आने वाले बैचेस को भी मदद करेगा। मैं आपका वही साइन बोर्ड जो रास्ता दिखा देता है हल्का सा, डॉक्टर अभिव्यक्त अग्रवाल। थैंक यू वेरी मच। Thank you.